PSL 3 का फैसला कुन मार का पिशावर और इस्लामाबाद कल मध्य मुकाबल होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दुबई से कराची पहुंच गई, सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। पाकिस्तान आने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ियों में स्टीवन फिन, ल्यूक रॉन्की, जेपी डोमिनी, बॉल्टन और सैमुअल बद्री शामिल। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने को तैयार। नेशनल स्टेडियम और इतराब को रंग बिरंग रोशनियों से सजा दिया गया। वजीर आला सिंह का नेशनल स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अगले पीएसएल का एक मैच हैदराबाद में भी खेला जाएगा सैयद मुराद अली शाह। आइंदा पीएसएल के आधे मैच पाकिस्तान में होंगे। नजम सेठी। अमरीका में ताजुनात पाकिस्तान के सफीर एजाज अहमद चौधरी कहते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात वसीउल बुनियाद हैं, इन्हें डॉलर्स में नहीं तोला जा सकता। कहा, पाक अमरीका स्ट्रेटजी को मिलकर आगे बढ़ना है। हमारा एजेंडा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते में अमन आपान और अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान से ज्यादा कोई और नहीं चाहता। लाहौर में हीर के इलाके में तहरे कत्ल की लरजा खेज वारदात। नामालूम शख्स ने घर में घुसकर तीन बच्चों का गला दुबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में 4 साला इब्राहिम, 6 साला फातिमा और 10 साला जैन शामिल। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वजीर आला पंजाब ने मौके का नोटिस ले लिया। छोड़ेंगे नहीं, कभी मुल्क छोड़ के जाएंगे नहीं, वो हर चीज का सामना करेंगे, करते रहे। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कभी मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हर चीज का सामना करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अगर नवाज शरीफ को चंद दिन का इस्तेमाल मिल जाता और वो कुलसूम नवाज की अयादत कर लेते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनाकिदा यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगु। पीपल्स पार्टी का बनू में जलसा तैयार या जारी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिंडाल को पार्टी झंडा और बैनर से सजा दिया गया। 10 फीट ऊंचा, 24 फीट चौड़ा, 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जलसे से खिताब करेंगे। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सीसीजी की मुल्तान में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से बारूदी मवाद और दीगर असलहा बरामद। दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। चारों दहशतगर्दों की शनाख्त बिलाल, शहबाज, आसिम और जहीर के नाम से हुई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालतम तंजीम से है। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाका मोहम्मदपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान एएसआई शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। डाकू मोबाइल टावर से कीमती बैटरी छीन कर फरार हो रहे थे। जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, बलोचिस्तान असेंबली में कौम ख्याल ग्रुप ने नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान 1-2 रोज में वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजेंचो अपने साथियों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मंशूर भी तैयार कर लिया गया है। नई पार्टी प्रोग्रेसिव होगी और बलोचिस्तान की रिवायती जमातों से मुख्तलिफ होगी। का दौरा अमरीका, वो डॉलर के दिफाई मुआहदे तय पा गए। दिफाई सामान में 67 करोड़ डॉलर के 6,686 कंचाव मिसाइल भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 1 अरब डॉलर का असलहा खरीदने लगा। अमरीकी महकमा खारजा।
अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं कनीज फातिमा और मैं हूं मौज़म अस्कर। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL 3 के हवाले से। PSL 3 के फैसला कुन मौके में कल पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जीत की जंग छिड़ेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दुबई से कराची पहुंच गई है। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। PSL की नंबर वन टीम और बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम गुज़श्ता रात ओल्ड एयरपोर्ट कराची पहुंची, जहां वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महद ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। टीम को पुलिस, रेंजर्स और कमांडोज के हिसाब में एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान आने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ियों में स्टीवन फन ल्यूक राउंकी, जीन पॉल डोमिनी, चैडोक वाल्टन और सिमुअल बद्री शामिल हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी को बेहतरीन करार दिया। फाइनल से कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जलमी की टीमें आज कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेंगी। इस मौके पर दोनों फाइनलिस्ट टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जबकि इवेंट की ट्रॉफी को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 3 फाइनल के लिए PCB ने मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। फैसला कुन मार्के में ICC अवार्ड याफ्ता एम्पायर अलीम डार के साथ शोजिब रजा फील्ड एम्पायर होंगे, अहमद शहाब TV एम्पायर, जबकि राशिद रियाज रिजर्व एम्पायर मुकरर किए गए, जबकि मैच रेफरी के फ्राई श्रीलंका के रोशन महानामा निभाएंगे। आगे आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शाहिद फकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ के जेल जाने की बातें मफरूजों पर मबनी है, उनका जेल में होना ना होना कोई बात नहीं, अगर नवाज शरीफ जेल गए तो वहां से पार्टी पॉलिसी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने जेल में रहकर इलेक्शन जीते हैं, नवाज शरीफ इससे पहले भी मुशर्रफ दौर में पार्टी चलाते रहे हैं। वज़ीर आज़म शाहिद फकान अब्बासी का कहना है कि ना फौजी हुकूमतों में नवाज शरीफ की सियासत खत्म हुई और ना ही आज कोई कर सकता है। उनका कहना है कि पहले नवाज शरीफ को हाईजैकर ठहराया गया, आज भी मुमकिन है कि अदालतें ऐसा फैसला कर दें। इस तरह के फैसलों से नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी ने फैसला किया कि नवाज शरीफ पार्टी कायद और शहबाज शरीफ सदर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी फैसले पहले भी मुशावरत से हो रहे थे और अब भी होंगे। इन फैसलों में नवाज शरीफ की राय की अहमियत होती है। आगे बढ़े, आपको बताएं अमरीका में ताजुनात पाकिस्तान के सफीर एजाज अहमद चौधरी कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात वसीउल बुनियाद हैं, इन्हें डॉलर्स में नहीं मापा जा सकता, पाक अमरीका स्ट्रेटजी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी का कहना था कि हमने अमरीका को बताया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपने वसाइल से कोशिशें जारी रखेंगे। एजाज चौधरी ने बताया कि अमरीका इक्तसादी और तरक्याती प्रोग्राम जारी रखना चाहता है, इसे इदराक हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि अब तक जो कामयाबियां हासिल हुई वो मिलकर काम करने से हुई। पाकिस्तानी सफी ने मजीद कहा कि हम अमरीकी अहदेदारों के साथ खुले जहन से मिलकर काम करते हैं और नए सिक्योरिटी एडवाइजर्स जॉन बोल्टन के साथ भी यही पॉलिसी अख्तियार करेंगे। उनका कहना था कि हमारा एजेंडा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते में अमन और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी है। पाकिस्तानी सफीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है और हम अमरीका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं चाहता। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में मुसालहती अमल से अमन आने की उम्मीद बनती है और अफगानिस्तान में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। आगे आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत के बाद इलाके में भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जिस पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और रबर की गोलियां बरसाई गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज की मकबूजा वादी में कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी जारी है और जिला इस्लामाबाद में भारतीय फौजियों ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत के बाद इलाके में भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जिस पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां बरसाई गईं, जबकि वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है।
आगे बढ़े। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज साथी कहते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कभी मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हर चीज का सामना करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अगर नवाज शरीफ को चंद दिन का इस्तेसना मिल जाता और वो यहाँ आकर कुलसुम नवाज की अयादत कर लेते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। कभी मुल्क छोड़ के जाएंगे नहीं, वो हर चीज का सामना करेंगे, करते रहे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक़िदा यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा अगर नवाज शरीफ को चंद दिन का इस्तेसला मिल जाता और वो यहाँ आकर कुलसुम नवाज की अयादत कर लेते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। नवाज शरीफ कभी मुल्क छोड़ कर नहीं जाएंगे, वो हर चीज का सामना कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो खुद भी बेगम कुलसुम नवाज की अयादत करने जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बरतानवी डॉक्टर्स बेगम कुलसुम नवाज की गुज़श्ता 7 माह में 6 बार कीमोथेरेपी कर चुके हैं जबकि इनकी 7 माह में 3 बार सर्जरी भी की गई। रवा माह के आगाज में डॉक्टर्स ने कुलसुम नवाज की गर्दन में दोबारा ट्यूमर बन जाने के बायस उनकी मजीद सर्जरी का फैसला किया था। बेगम कुलसुम नवाज अपने शौहर नवाज शरीफ की नाहली के बाद खाली होने वाली लाहौर निशिस्त NA 120 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई लेकिन खराबी सेहत के बायस वो अब तक हल्फ नहीं ले सकी। आगे आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के इलाके में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में एक पुलिस अहलकार जाबहक और एक SIA जख्मी हो गया जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौके पर हलाक और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना गुलबर्ग के इलाके मोहम्मदपुरा में वाकया निजी मोबाइल कंपनी के टावर से 3 मुबैना डाकू बैटरी छीन कर फरार हो रहे थे कि इसी दौरान इत्तला मिलने पर थाना गुलबर्ग पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ जिससे 50 साल ASI शफकत अली मौके पर जाबहक और ASI लियाकत अली जख्मी हो गया जबकि फायरिंग के तबादले के दौरान ही 2 मुबैना डाकू मौके पर हलाक और 1 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू को तिबी इमदाद देने के बाद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया जबकि हलाक होने वाले डाकू की ताहाल कोई शनाख्त नहीं हो सकी। हलाक होने वाले डाकू की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। सिंध के साबिक वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सबको पता है कि नैब पंजाब में क्या कर रहा है और सिंध में क्या कर रहा है। एहतिसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू पेशी के दौरान ये बात उन्होंने एक सहाफी के सवाल की जबकि चेयरमैन ने कहा कि वो बिला तफरी कार्रवाई कर रहे हैं कि जवाब में कहीं एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपका केस भी पंजाब मुंतकिल कर देंगे। इस पर शर्जील मेमन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मेरे मेडिकल बोर्ड से मुतालिक जो कहा उसे कबूल करता हूँ, अदालत का हर हुकुम सर आंखों पर होगा। उनका यह भी कहना है कि चीफ जस्टिस जो बेहतर समझे वो करें। अदालत ने नया मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा है जिसमें पंजाब और मिलिट्री के डॉक्टर्स होंगे। बात करते हैं सरफराज बुगटी के हवाले से। आपको बताया कि वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान असेंबली में हम ख्याल ग्रुप ने नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। क्वेटा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नई सियासी जमात बनाने का हम ख्यालों ने फैसला कर लिया है जिसका ऐलान 1-2 रोज में वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो अपने साथियों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। मंशूर भी तैयार कर लिया गया है। उनका मजीद कहना था कि नई पार्टी प्रोग्रेसिव होगी और बलोचिस्तान की रिवायती जमातों से मुख्तलिफ होगी। ज़राए के मुताबिक नई पार्टी में वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरफराज बुगटी, सैयद हाशमी, जाफर मंदोखेल, मंजूर काकड़, आसिम कुर्द गेलो, जान मोहम्मद जमाली, ताहिर महमूद, आगा रजा वगैरह भी शामिल होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।